तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज। दोस्तों पहले अपडेट बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलने पर बक्सर भागलपुर सहित चार नई सड़कों को भारतमाला फेज 2 में जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। कुछ दिनों पहले बिहार ने भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत 8 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसमें पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे सहित दूसरे सड़कों को शामिल किया गया था। भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत 4 सड़कों को शामिल किया गया है, जिसकी टोटल लंबाई 905 किलोमीटर होने वाली है। इन चार नए सड़कों की अगर बात करें तो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर होगी। अभी बक्सर से दिल्ली तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। बिहार परिवहन विभाग का कहना है कि भागलपुर का सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसे में अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भागलपुर को जोड़ दिया जाए तो राज्य का सिल्क दूसरे राज्यों के साथ ही अन्य देशों में भी आसानी से जा सकेगा। नवादा बरौनी झंझरपुर लदनिया हाईवे, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 220 किलोमीटर होने वाली है। राज्य के दक्षिण इलाका नवादा का नेपाल से सीधा संपर्क इस सड़क से हो जाएगा। लदनिया का बरौनी झंझरपुर से संपर्क होगा। कोसी और कमला नदी से गुजरने वाली इस सड़क के बनने से इससे कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। माजी बरौली बेतिया बघा कुशीनगर हाईवे, इसकी लंबाई 215 किलोमीटर होने वाली है। उत्तर और पश्चिम बिहार को जोड़ने वाली यह सड़क टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगी। मसलन लोहिया कुशीनगर वाल्मीकि नगर बाद सहित गन्ना औद्योगिक रेंज को भी सड़क से लाभ होगा। कहलगाम कुर्सेला फार बिजगज फोरलेन, इस हाईवे की कुल लंबाई 120 किलोमीटर होने वाली है। कहलगाम पूर्वी बिहार को औद्योगिक हब माना जाता है, विक्रमशिला का भी इससे जुड़ाव होगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से फार बिजगंज जुड़ा है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय चेक पोस्ट से भी सड़क का जुड़ाव हो जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन शॉर्ट NHSRCL के तरफ से आ रही है, जहां पर NHSRCL मुंबई और अहमदाबाद के बीच आगामी बुलेटिन कॉरिडोर के लिए निर्माण गतिविधियों के हिस्से के रूप में गुजरात में नवसारी के पास एक कास्टिंग यार्ड में पहला खंड डाला है। बुलेटिन परियोजना के डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार NHSRCL के अनुसार स्पैन बनाने के लिए खंडों को एक साथ मर्ज किया जाएगा, जिसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाएगा जहां साइट की कमी के कारण पूर्ण अवधि लॉन्च करना संभव नहीं है। दोस्तों अगली अपडेट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही है, जहां पर BRO ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार के सरकार के प्रयासों के अनुरूप शुक्रवार को लद्दाख में 5 प्रमुख सड़कों का विकास परियोजनाएं शुरू की गई। परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में लद्दाख के आला अधिकारी एंड पॉलिटिशियन शामिल रहे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परियोजनाओं में ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का निर्माण और प्रमुख सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन और टनलिंग वर्क को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर हाल ही में मुंबई के तर्ज पर गंगा लिंक इनर सर्कल रोड कानपुर में बनाने की मंजूरी दी गई थी। अब केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए कमेटी गठित कर दी है। कमेटी एक महीने में इनर सर्कल रोड के लिए 2 विकल्पों पर काम करेगी। पहले इनर सर्कल रोड के लिए बनने वाले डिजाइन DPR का टेंडर किया जाएगा, तो वहीं दूसरा NHAI की मौजूदा कंसल्टेंट एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मंत्रालय के अपर सचिव अमित घोष ने बैठक कर यह निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव अमित घोष ने कानपुर में 30 किलोमीटर लंबी गंगा लिंक एक्सप्रेसवे इनर सर्कल रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। इसमें 22 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 2300 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। शहर में पहली बार इनर सर्कल रोड बनाने के लिए 3.50 मीटर सिंगल पिलर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर 4 लेन एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा, यानी सिर्फ 600 मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज के साथ। जय हिंद।